जा रहे आंटी दुकान स्वागत आदर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों इस वक्त आप तस्वीरें हैं भाई जी जिले के डिडवाड़ा गांव से। इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डिडवाड़ा गांव। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सफेद हल्के में गांव पड़ता है और आप देख सकते हैं सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली है गाँव डिडवाड़ा पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से गाँव वाले हैं फूल मालाओं के साथ है स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ डिडवाड़ा गांव से और यहाँ पर देख सकते हैं भारत माता की जय के नारे हम लग रहे हैं और फूल मालाओं के साथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव डिडवाड़ा में जो लोग स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार मैं आपको जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भाई जी जिले के डिडवाड़ा गाँव से तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि सफेद हल्के में गाँव आता है और सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी है मोहन लाल बड़ोली गाँव डिडवाड़ा में पहुंचे हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से जो फूल मालाओं के साथ आपको स्वागत करते हुए नजर आपको यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फूल मालाओं का सारे साथी प्लीज बैठ जाओ। आपने फोटो ले लिए तो यहाँ पर पूर्व मंत्री बकल सिंगारिया वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कबीर सैनी यहाँ पर हमारे बीच में बात की जाए तो पूर्व एमएलए बहुत ही मेहनती कर्मठ ईमानदार हमारे कैंडिडेट भाई मोहन बड़ोली जी हमारे बीच में है उनके साथ में आए हुए मंत्री बच्चन सिंह जी हो भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो पूर्व में जो हमारे चेयरमैन करमवीर सैनी जी आप देख सकते हैं हमारे हरियाणा के चेयरमैन गौ आयोग के श्रवण गर्ग जी हमारे पूर्व में विधायक रहे जसवीर देसवाल जी हमारे पूर्व में विधायक रहे कलीराम पटवारी जी और हमारी महिला आयोग महिला मोर्चा की कविता जी बलमत पंचाल जी राजवीर शर्मा जी जसमेर रजाना जी और भाई बहुत सारे साथी मैं जानता हूँ ना प्लीज समय का अभाव है तो मैं उसके लिए अक्ष में प्रार्थी मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा सिर्फ बड़ोली जी मैं 2 मिनट आपको कुछ बताना चाहता हूँ अपने गांव के बारे में। जब आप उस साइड से जब आए हो तो वैसे तो इस गांव में 4500 वोट है और 4500 वोट को मैं परसेंटेज के हिसाब से मैं गांव की तरफ से वादा करता हूँ आपको कन्फर्म सच्चा सुच्चा लगभग 90% वोट बीजेपी की जोड़ी में डलेंगी और आज से पहले 5 प्लान जो भी यहाँ से एमपी बन के गया सबसे ज्यादा वोट परसेंट डिडवाड़ा गांव का सफेदों विधानसभा में रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस डिडवाड़ा गांव का ये है कि जैसे आप बुसलाना से चले ना या मलकपुर से चले या करनाल लोकसभा लगती है उधर सालवन से चलते हैं तो जब गांव में घुसते हैं ना गांव की तरफ ऐसा महसूस होता है जैसे हम पाकिस्तान में आ गए। टूटी सड़कें बुरा हाल एक फुटुन सड़कों में गड्ढे
के हैं। तो मैं देखो ये दिल की बात, मैं गांव की तरफ से बोल रहा हूँ जी, मतलब बनने के बाद पहली डिमांड है इस गांव की, और इस गांव में इतना 10,000 पॉपुलेशन का गांव है, 8वीं क्लास तक का स्कूल है। मेरी ये विनती है कि जैसे ही आप बन के आए सफीदो विधानसभा अमरीश गांव में, हम जब आपका स्वागत करें तो आपकी पहली कलम से ये दो काम तो जरूर कर देना, हमारे हमारा स्कूल और सड़कें। बाकी तो आप बहुत मेहनती हो, मैं जानता हूं भाई साहब आपको पिछले 15 साल से हमने इकट्ठा काम किया है संगठन में, आप जैसा मेहनती कर्मठ ईमानदार ऐसा साथी मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अभी हमारे पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य को आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद जय भारत। तो फिलहाल भी आप है जो पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य मोहनलाल जी, और ये सारी पा रहे हैं हमारे पूर्व विधायक भी हैं, हमारे सुरेश जी, ये सभी कविता जी भाई, सबसे पहले ये सुलेख पुराना बीजेपी का है सुलेख, और सुलेख है ये हमारा पुराना बीजेपी का है, हमारे पूरा परिवार, इनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे थे, यू बीजेपी के गीत गा रहे थे, हरीफ भी गा गया, वो बढ़िया मेहनती है, खूब काम करता है। अभी पहले तो स्वागत कर लो सरपंच, मौके का सरपंच आपका स्वागत कर रहे हैं, गांव के लिए सरपंच पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है, जो मूल मंडोली को यहाँ पर बुका दे करके यहाँ पर आपका स्वागत हो रहा है, और स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। पगड़ी को लैना पंडित जी पगड़ी से स्वागत करेंगे, प्रमोद जी है, इनकी धर्मपत्नी महिला मंडल की अध्यक्ष है, तो उनकी तरफ से आपका गांव डिडवाड़े में आने पर स्वागत करेंगे पगड़ी पहनाकर। चलो बांध दो सुशील प्रधान जी हमारे संघ के संशोधक है, पटके से स्वागत करेंगे। सुरेश चेयरमैन जी कहा है, सुरेश चेयरमैन जी लैना राम पंडित जी पगड़ी से स्वागत करेंगे भाई साहब का, सारे साथी बैठ जाए पुलिस सामने। ये सुशील प्रधान तसल्ली से फोटो तरवाओगा, न्यूज़ मान ने बहुत धन्यवाद आपको भाई। मेन बात हाँ, रोशन लाल पूर्व सरपंच पगड़ी पर आकर के स्वागत कर रहे हैं, उनका था कर्मवीर था, मगर तेरे डब्बे ने कह दिया लड़ला तो मेरा भी है, मगर जितने नहीं आओगा जितने तो फोन नहीं करेगा मगर आ जाओ भाई सुरेंद्र, आ जाओ सुरेंद्र सिंह पगड़ी पर आकर के स्वागत कर रहा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई। सुनो हम थोड़ा है एक तरफ हो जाए, बस एक दो मिनट में फोटो लिए। इस रविदासिया चौपाड़ में इतनी विशाल भीड़, और भाई सभी बैकवर्ड ब्राह्मण हरिजन वाल्मीकि गुजर समाज और सारे समाज मिलकर के ये विशाल भीड़ आपने इकट्ठी की है, इसके लिए आपका बलवान सरपंच पूर्व सरपंच बहुत काम किए इसने काम में, स्वयं आपसे बात भी हुई होगी, बहुत डायनेमिक ईमानदार और बढ़िया साथी है बलवान सिंह। तो दे करमवीर को, हाँ भाई करमवीर का स्वागत कर रहा, मैं भी हाथ रहा दू भाई, मेरा इसका भी डर हो रहा थोड़ा थोड़ा भाई हम सच्ची बोल जाएगा, सच्ची बोल जाएगा हम
बैठो, आपका सारी टीम का, सरपंच साहब, आप नौजवान सरपंच है, सबको साथ लेकर चल रहे और साथ लेकर चला करो। और आप छत्तीस बरादरी का इस बात के लिए धन्यवाद। और इस बात पर भी विश्वास और भरोसा है कि जैसे सुलेख कह रहा था कि यहां से आंधी उठती है बीजेपी की, जब से बीजेपी में सारे आ गए, नहीं तो भाई एक जनेसर हुआ करते था, उड़ा रहा होगा, बहुत जनेसर खड़े हुए, इसका ये सारे में चुनाव लड़ा करूं था, इसका बस्ता खोज लिया कर रहे थे, बोला ले लो मैं के कहूं सारे काम यो, इसलिए नो सुन मेरी बात, तेने खुश नहीं दिया, तेने वोट भी नहीं पड़न दिया तेरे एक भी भाई मेरा कुछ नहीं। तो साथियों तेरे तो हम नंबर बना हुआ भाई, तो ही केला देव तो हम भी हो रहे। हाँ सुनो, हाँ परमात्मा की कृपा है साथियों, सारे मिलकर के इज्जत का सवाल है। डडवाड़े का जो रिकॉर्ड सुलेख ने आपके सामने बोला, छत्तीस बरादरी साथ जोड़ के कह रहे हूँ, इसको कम ना होने दियो भाई, सारे हाथ जो हाथ उठा करके आश्वासन दे दो कि वे नहीं कम होने देंगे सारे के सारे साथी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 25 तारीख ने भाई एक एक वोट कमल के फूल पर बटन दबाना, एक एक सब ने सामूहिक मिल करके। और मैं दो शब्द के लिए, क्योंकि निमराबाद में भी गांव इकट्ठा हो रहे हैं, सुरेश चेयरमैन जो सरपंच के पिताजी हैं कहाँ हैं? हाँ, ये वोट की अपील करेंगे, एक चेयरमैन जो सरपंच के पिताजी हैं और पक्के पिताजी हैं, चाचा ताऊ नहीं है सुरेश। आदर के योग, सोनीपत लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली जी, चेयरमैन साहब करमबीर सैनी जी, चेयरमैन साहब दूसरे मणि गौशाला स्वर्ण गर्ग जी, बच्चन सिंह आर्या जी, कलीराम पटवारी जी, जसवीर देसवाल जी, और साथ में जितनी भी टीम चल रही है, सभी का मैं गांव में पहुंचने पर पूरे गांव की तरफ से, तहे दिल से, पंचायत की तरफ से, गांव में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत दिल की गहराइयों से। वोट की बात तो मेरे छोटे भाई ने कह दी है, सुलेख ने, बच्चन सिंह आर्या जी ने, हमारे अंकल जी ने कह दी है, वोट में तो यहाँ कमी आएगी नहीं, कभी आई नहीं, 2014 में आई नहीं, 19 में आई नहीं, अब भी नहीं आएगी। बहुत ज्यादा 90% सुलेख ने कहा, उससे भी ज्यादा परसेंटेज से यहाँ से गांव से जितवा करके भेजेंगे। बात गांव गांव की नहीं है, हम दूसरे गांव में बहुत बड़ा एक संगठन है, टीम है, हम एक टीम के हिसाब से काम करते हैं, बहुत दिन से लगे हुए, आज से नहीं लग रहे हैं, पूरी टीम काम करती है, हमारा जब बीड़ा उठाते हैं तो उसको पार मारते हैं उठा के बीड़े को। तो एक बार दोबारा फिर मैं गांव में पहुंचने पर आपका सबका हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जय बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, जो बीजेपी का मोदी जी का टिकट लेकर के हमारे आपके बीच में आए हैं, आपसे वोट की अपील करेंगे और कुछ बात आपसे जिक्र करेंगे। आदरणीय मोहनलाल जी, एक बार सभी से निवेदन है, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे, ये भाई बैठने की जगह हो तो पीछे वालों को देख ही नहीं रहा करो। विधायक जी को, कलीराम जी को पगड़ी पहनाएंगे अपने, आगे तो विधायक जसवीर देसवाल जी, पूर्व विधायक जी को पगड़ी पहना के स्वागत। हमारे पार्टी के पूर्व में मंत्री भी रहे और हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी रहे यहाँ से, बच्चन सिंह आर्य जी, भाई करमबीर सैनी चेयरमैन, स्वर्ण गर्ग जी चेयरमैन, विजय पाल एडवोकेट जी, जसवीर देसवाल जी पूर्व विधायक, कलीराम पटवारी जी पूर्व विधायक, वीरेंद्र सांगवान जी पूर्व में यहाँ एसडीएम रहे, सुरेश कौशिक जी, राजवीर शर्मा जी, प्रभात जी पांडे, बलवंत पांचाल जी, जसमेर रजाना जी, राजकुमार जोगी जी, चरण सिंह जोगी जी विस्तारक, कैप्टन योगेश कुमार जी, बलबीर पूर्व सरपंच, कविता शर्मा जी, रामरति शर्मा जी, गीता सैनी, विनोद कुमारी, सुषमा शर्मा, जयपाल शर्मा, रविंद्र राणा, हरीश शर्मा, विजय सैनी, जैक्सन सरपंच जामणी,
पूर्व सरपंच शिषपाल बैरागी, रामकांत जी कश्यप और इस गांव से सुलेख जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सुरेश जी चेयरमैन, सुरेश नंबरदार गांव के सरपंच, राजन जी, ईशन जी, दया सिंह जी, ब्रजपाल आर्य जी, रोशन जी पूर्व सरपंच, बलवान शर्मा पूर्व सरपंच, सुशील प्रधान, जनेश्वर सिंह जी, रामचंद्र जी, देवी सिंह, रामनिवास जी एमसी, श्यामलाल जी, रामपाल चेची, राम जुवारी सरपंच बिल्लो जी, सुभाष शर्मा जी, सतवीर लाडवाल जी, ईश्वर सैनी जी स्पीदो, राम के शर्मा सरपंच, लक्ष्मी नारायण सरपंच, रामपुर सरपंच सरना खेड़ी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी विकास जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहने, छायाकार पत्रकार साथियों, आज ये लोकसभा 2024 का चुनाव और प्रत्याशी के तौर पर आपके इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंचासीन सभी नेता आपसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद और समर्थन मांगने आए। लोकसभा का चुनाव है और इसमें बहुत जगह हाजिरी लगानी होती है, इसलिए सभी नेताओं का निवेदन आप स्वीकार कर लेना। ये सभी नेता जो मैंने नाम बोले सभी आपसे इसी बात की अपील करने के लिए आए, एक बार सभी का ताड़िया बजा के स्वागत कर देंगे, सभी की हाजिरी मान लेना। और भाई सुलेख ने और चेयरमैन साहब ने जो बात कही है, आपकी हाजिरी से, आपके उत्साह से, आपके चेहरे से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत आपने कही है, आप इस पूरी विधानसभा में इसी प्रकार की जीत करवाने के लिए दिल जान से जुड़ोगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और इस गांव ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। आज 2014 से लेके आज तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन आप सबने देखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो जन कल्याण की अनेक नीतियां बनाने का काम किया, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस सब बातों का चिंतन और मंथन करने के लिए और जो विकास के काम पूरे देश में जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, भाई सुलेख जी ने जो सड़क की चर्चा की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी आपकी ये सड़क ऐसी बनेगी जिस प्रकार के नेशनल हाईवे पूरे देश में बने हैं, उसी प्रकार की सड़क आपको देखने को मिलेगी। पूरे देश में जिस प्रकार से हमने बहुत सारा शिक्षा के यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया, कॉलेज बनाने का काम किया और ये 8वीं तक के स्कूल की जो बात आपने करी है, बहुत जल्दी आप इसी सेशन में आपको 12 तक का स्कूल देखने को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, नीति है, सबका साथ सबके विकास की जो हमने बात की है वो हमने करके दिखाया है और सबके साथ न्याय करने का काम हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सर्व समाज की भलाई के काम करने का काम किया है, जिस प्रकार से किसान की सम्मान निधि 6,000 रुपए, ये कोई किसानों की डिमांड नहीं थी, मांग नहीं थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी कि मैं किसानों की इनकम को डबल करने का काम करूंगा, जब किसान की लागत कम हो जाएगी और भाव बढ़ जाएगा तो अपने आप डबल हो जाएगी। और आप सब आकलन करना, आप सब किसानी से जुड़े हुए आदमी हैं, 2014 के समय में, 2014 में आपके किले के गेहूं कितने के होते थे, आज आपके किले में गेहूं कितने के होते, आकलन करना, डबल हुए मिलेंगे आपको। मैं छुपाड़े में ये बात कह रहा हूं आपको, आप अपने धान की 2014 का आकलन कर लेना, पर्चे निकाल लेना, 2014 में जो आपका धान का एक एकड़ बिकता था आज आप आकलन कर लेना, डबल में मिलेगा। गेहूं एक जितनी भी फसलें हैं हमारी, हरियाणा सरकार ने 14 फसलें हमें एमएसपी पर खरीदने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो वायदे देश की जनता के बीच में किए थे सबको अक्सर से पालन करते हुए पूरी तरह से लागू करने का काम किया है। और जो अब हमने जो संकल्प पत्र जारी किया है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना के लेके आए जो 100 वर्ष के बाद
जब हम आजादी का उत्सव मनाएंगे। देश 1947 में आजाद हुआ, 2047 में जब 100 वर्ष पूरे होंगे उस समय यह देश विकसित राष्ट्र बने, इस प्रकार की योजना देश के प्रधानमंत्री आपके बीच में लेके आए हैं। ये सब राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव है, पूरे देश की समस्याओं का समाधान करने का यह चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, आजादी के अमृतकाल के समय का यह पहला चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश में एक नारा चला कि अब की बार 400 पार, एक बार सभी बोलेंगे अब की बार ये 400 पार का नारा, आप सबसे निवेदन करूंगा, आपके जितने भी मिलने वाले जुलने वाले परिचित, आपके टेलीफोन में जितने भी नंबर है, आप सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 मई तक आप सबसे वोट मांगने का काम करें, सबसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का निवेदन और प्रार्थना करें, ताकि ये जो 400 पार का नारा है ये पूरे देश में पूरी तरह से कामयाबी इसमें मिले। और तीसरी बार मोदी सरकार, ये भी एक बार आप सब बोलेंगे तीसरी बार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें जितनी भी कही है उनको सबको हम लागू करने का काम करेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र भी आपने सुना होगा, ये पत्रकार छायाकार भाई खड़े हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये बांटने की बात की है, देश को तोड़ने की बात की है, देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा करने की जो बात कही है, आप सबने उनका घोषणा पत्र अगर पढ़ा होगा, उन्होंने एक बात कही है कि हम सबकी प्रॉपर्टी का आकलन करवाएंगे, किस आदमी ने कितनी कमाई करी है उसका आकलन करवाएंगे, और जब उसके मरने के बाद उसका बंटवारा अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में कर देंगे, बराबर का बंटवारा कर देंगे। अगर हमारी माता और बहनों ने कोई पैसे के जोड़ के उसने अपनी पूंजी इकट्ठी की है तो उसको भी वो अल्पसंख्यक में बांटने की जो बात कांग्रेस ने कही है, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की राजनीति को अपनाया था, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश को दोबारा से तोड़ने की बात करी है। ये कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र बड़ा खतरनाक घोषणा पत्र है, बहुत सारी बातें कांग्रेस ने कही है। कांग्रेस ने अपने जो भ्रष्टाचार का फैलाव किया, जो देश की जनता के साथ धोखा किया, आप सबने 10 सालों में कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग आके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में बनाने का काम किया था। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 2024 में फिर से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इसलिए आपने भारी संख्या में मतदान करना है। आप सबसे अपील करूंगा, कोई भाई गर्मी को मान के ये ना जाए कि अभी गर्मी हो रही है क्यों वोट डालने जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, 100% मतदान करें, मत का दान बहुत जरूरी है, लोकतंत्र का त्यौहार है, इसमें सभी की भागीदारी रहे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जहां भारतीय जनता पार्टी के भाई सुलेख जी ने कहा 90% वोट पड़ेंगी, तो इस भाव में ना रहे कि गांव की वोट तो सारी बीजेपी की है और वो डालने ना जाए, सबको घर से निकाल के बूथ तक डालने का प्रयास करें। आप सबसे मैं ये निवेदन और प्रार्थना करने के बाद एक और निवेदन आपसे करूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने का काम किया, 500 वर्षों के बाद जो भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे सनातन धर्म की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मोदी जी ने वो राम राम आपके लिए भेजी है, वो राम राम भी आप एक बार स्वीकार करेंगे, मोदी जी के ये मोदी जी की राम राम आपने आने वाली 25 मई तक प्रत्येक घर को प्रत्येक वोटर को बताने का काम करना है। आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो फिलहाल अभी आप और एक मैं निवेदन और आपसे करना चाहूंगा, 3 मई को आपका आशीर्वाद लेके मैं अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगा, आप सबसे निवेदन है कि 3 मई को सोनीपत के यूनिक गार्डन मुरथल रोड पर आप पहुंच के सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विचार सुने और मुझे आशीर्वाद देने का काम करें, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ये बंद करियो भाजी बोलाल जी, गांव गांव जा रहे किस तरह का। ये सबेदो विधानसभा का आज मेरा चौथे दिन का प्रवास है और आज 17 गांव के प्रोग्राम इसी प्रकार से रहेंगे।
चौपाल की नुक्कड़ सभाएं रहेंगी और 36 बिरादरी के भाइयों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मुझे एक तरफा समर्थन किया है, आशीर्वाद दिया है और समर्थन से और प्यार से मुझे लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा में होगी। तीन जिले के आखिरी गांव लोकसभा के भी, सोनीपत लोकसभा के भी आखिरी गांव में आज पहुंचे हैं। यहां से भाजपा को लगातार जो है बढ़त मिलती नजर आई है। आप क्या कहेंगे आज यहां के अभूतपूर्व समर्थक के लिए? ये कल शाम तक 452 नुक्कड़ सभाएं मेरी हुई है, 17 प्रोग्राम आज रहेंगे और मैं पूरी लोकसभा में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर के वार्ड में, हर जगह जाके इसी प्रकार से जनता का आशीर्वाद लेने का काम करूंगा। और ये इस लोकसभा का आखिरी छोर का गांव है, आज मैं यहां पहुंचा हूं और एक तरफा प्यार समर्थन डिडवाड़ा गांव ने मेरे को दिया है और भारतीय जनता पार्टी के काम, नरेंद्र मोदी जी के विकास की गारंटी, विश्वास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उस विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जनता जनार्दन ने करने का काम किया। लोकसभा चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन आप यहाँ इस गांव के कुछ लोगों ने स्थानीय मुद्दे भी रखे हैं, आपने आश्वस्त दिया, क्या कहेंगे? पूरे देश में हमने नेशनल हाईवे बनाने का काम किया है और उसी प्रकार के जो नेशनल हाईवे की क्वालिटी जिस प्रकार की है, उसी प्रकार की सड़कें हम गाँव में भी बनाने का काम करेंगे। और पूरे देश में जो शिक्षा को हमने बढ़ावा दिया है, शिक्षा नीति हम नहीं लेके आए हैं, पूरे देश की शिक्षा नीति एक होगी, उसी प्रकार से ये बड़ा गांव है, 4500 वोटों की संख्या का गांव है, इस गांव में भी हम 12वीं तक का स्कूल बनाएं और शिक्षा का अधिकार सबको है, उस प्रकार का ये हमारी लोकसभा का आखिरी छोर का गांव है और इस प्रकार की जो शिक्षा की मांग आई है उसको भी हम पूरा करेंगे। जनहित के मुद्दों को छोड़कर एक्सरे और एमआरआई पे लड़ाई आ गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सर्वे करवाने का, ये कांग्रेस का पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो देश को कमजोर करने का घोषणा पत्र है और उनके घोषणा पत्र में राष्ट्र के मुद्दे कम हैं और उलझाने के मुद्दे ज्यादा हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो बांटो और राज करो की नीति रही है उसी प्रकार के जो अंग्रेजों की विचारधारा थी उसी प्रकार की विचारधारा का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का है और हमने जो संकल्प पत्र जारी किया है, हमने जो जनता के साथ संकल्प किया है उस संकल्प को हम पूरा करेंगे और हमने पूरे राष्ट्रवाद को लेके जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र में जो हमने बातें कही उन सबको पूरा करेंगे। सतपाल कर्मचारी आने से क्या किसी से मुकाबला नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं, उनके आने से क्या, वो मुकाबले से बाहर हैं, वो मुकाबले में कहीं है ही नहीं, वो उनकी जो बात है वो बिल्कुल सही। ये थे हमारे साथ सुशीलाल जी, आप हमारे साथ थे जो मोहनलाल अमरोली जी हमारे साथ थे, अभी आप दिन हमारे साथ सुरेश कौशिक जी हमारे साथ थे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो डिडवाड़ा गाँव में धमाकेदार कार्यक्रम हुआ सामने मैदान में कांग्रेस नेता रहे भाई, आपके सामने सारा सीन था, 36 बिरादरी चौपाट में इकट्ठी हुई थी, सब ने पगड़ियां अलग अलग समाज ने पगड़ियां पहनकर सम्मान किया और सब ने आश्वासन दिया कि पहले से भी ज्यादा वोटे देके यहां से जिता कर भेजेंगे आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी ने। और आप देख लेना पिछली बार 45,000 की लीड थी, अब की बार कम से कम 50,000 की लीड यहाँ से लेकर निकलेंगे, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और इस देश को सबसे सर्वोपरि बनाना है और सबसे आगे विकसित राष्ट्र बनाना है और नरेंद्र मोदी जी की और राहुल गांधी जी की तुलना करके देखो। और अंतरात्मा से आप तो पत्रकार हो, आप भी अंतरात्मा से अगर निष्पक्ष होकर सोचोगे तो आपको भी महसूस होगा भी नरेंद्र मोदी जी को इस देश की ज़रूरत है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और खुशहाल राष्ट्र बनाना है और सबसे आगे इस पूरे विश्व में इस सबसे आगे इसको लेके जाना है। सतपाल ब्रह्मचारी का क्या असर पड़ेगा? सतपाल ब्रह्मचारी जी बेचारे उनको फंसाया गया है यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे, वो भी लगभग 1,80,000 वोटों से आ रहे थे, उसको पता था, कांग्रेस पार्टी को सबको मालूम था कि यहाँ से
बीजेपी आने वाली नहीं है और जनता पहले से भी ज्यादा जागरूक हो गई है। चाहे कोई भी किसी बिरादरी का झूठे नारे हैं, इस बिरादरी में कम वोट है, इसमें कम है, आप देख लेना। और मैं ब्राह्मण समाज भी एक पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी कौम है, उसको भी पता है हमारा हित कहाँ पे है और राष्ट्रीय हित कहाँ पे है। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर ये चुनाव लड़े जाते हैं। और आप देख लो सड़कों का जाल, जैसे हम मान लिए मोहन लाल भड़ोल जी ने भी बोला, और जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, आप एक बार देख के आप भी खुद तुलना कर सकते हैं। आप देख लेना, बहुत सारी वोटर ही जीतेंगे। तो कितने लाखों से आपको लग रहा है वोटर जीतने वाले? मेरा जो मैक्सिमम ना मिनिमम कम से कम 3.5 लाख वोटों से हम यहाँ से विजयी होंगे। तो फिलहाल अभी आप देखते हैं भाजपा के नेता सुरेश कौशल जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो पूरा रुझान है जी, तो मैं पूरे इलाके में घूम रहा, छत्ती बिरादरी में पूरा रुझान बीजेपी का है, क्यों बीजेपी ने बहुत काम करे हैं, बहुत काम है, हर एक बिरादरी का उसने मान सम्मान किया। तो इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए लोगों को जरूरत भी है, देश को भी जरूरत है, फौजियों को भी इतना मान सम्मान मिला, तो हर एक बिरादरी में उत्साह है, तो कि बीजेपी को वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा मोहन लाल भड़ोली को विजय दिलाकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। और ब्रह्मचारी वाली बात है, ये तो कोई अफवाह है, ब्रह्मचारी का कोई भी 1% किसी बिरादरी पर कोई असर नहीं, सब बिरादरी छत्ती बिरादरी मोहन लाल भड़ोली के समर्थन में है जी। आपने बड़ा आश्वासन दिलाया। तो फिलहाल तो पूर्व सरपंच मेन बात क्या है, लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के लिए भाजपा में मोदी से बेहतर, पहली बात तो विश्व में मोदी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं है। उधर कांग्रेस को या विपक्ष में देखें, कोई नेता ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। मेन मुद्दा यही है, लोग मोदी को वोट देंगे, मेन मुद्दा वोट का मोदी है। और उस साइड में राहुल है, राहुल को बेचारे को बोलना नहीं आता। मेन बात पहले ही बताया शर्मा जी ने, हमारे कौशिक साहब ने ब्रह्मचारी जी को फंसाया गया यहाँ पे, वो तो हरिद्वार से आया था। हुड्डा साहब ने सोचा जब मेरे को 1,80,000 करीब मेरे को हराया गया, तो ब्रह्मचारी को बेचारे क्या उसका केस नहीं है, उसका तो उसको लोग जानते भी नहीं है, बाहरी उम्मीदवार है बेचारा, वो तो पैदा ही हो, बाकी रियाज तो उसकी वहाँ हरिद्वार में, वहीं मेयर बना, वहाँ की राजनीति करता है। यहाँ एक तरफा माहौल, गाँव का माहौल भाजपा के पक्ष में, और भाजपा विजयी होगी। इसलिए हमारे गाँव की 90% से ऊपर वोट भाजपा को जाएंगे। बच्चे के सभी के दिल में यही है भाई, भाजपा को जिताना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे पहली बार जो मुख्तार सिंह मलिक है ना, जो बीजेपी से थे, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 2,80,000 से वो विजय हुए थे, उनका रिकॉर्ड माननीय मोहन लाल जी तोड़ेंगे, क्योंकि मोहन लाल जी ना कार्यशैली पर विश्वास रखते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सभी को, ये बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ये 1985 में संघ के स्वयंसेवक बने थे, जो शाखाएं लगा दिए थे बहुत छोटी, 94 में ये रहे अपने जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा, इन्होंने जिला पार्षद बने, कितनी छोटी इकाई होती है जिला पार्षद की, आप सभी ने जानते हुए। उसके बाद इन्होंने जिला पार्षद के बाद मंडल अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, अब प्रेजेंट में प्रदेश के महामंत्री है, ये अपनी मेहनत से यहाँ पे पहुंचे हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मेहनत के आधार पर टिकट देती है, ना कि किसी के कहने पर या किसी के ये नियम बनाने से नहीं, उनकी मेहनत देखती है भाई इस पर विश्वास कितना है, ये देश अपने समाज हित के लिए कितने कार्य कर सकता है। आपको बता दूं, आपको भी पता है, पत्रकार हो आप, कितने तमाम योजनाएं जो आप, मैं बताना चाहता हूं, विश्व गुरु बनने जा रहा भारत, ये एक सच्चाई है। और उसके साथ साथ इतनी जन कल्याण योजनाएं है, आयुष्मान कार्ड जो 70 साल से ऊपर है ना, उसको सभी के बनेगी, कि अमीर हो गरीब हो, ऐसी योजनाएं सबको मिलाकर मैं ये चाहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये, लोकतंत्र का सबसे बड़े त्यौहार में सभी हरेक भारतीयों को अपने देश हित के लिए देख के आपने वोट देनी चाहिए। जो ब्रह्मचारी को वोट देगा वो हुड्डा को वोट देगा, ठीक है, हुड्डा साहब खुद कह रहे अभी हम जीतेंगे तो चंडीगढ़ जाएंगे, उनका तो सपना ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई एक है ही नहीं नेता कि जो कह सके कि ये प्रधानमंत्री है। और हम जब मोहनलाल जी को देंगे तो प्रधानमंत्री को मजबूत करेंगे, और लोकतंत्र में ना सबका अधिकार है, और सब अपने सभी अधिकारों को एक राष्ट्र हित को देखते हुए देंगे। और एक नौकरियां, कितनी तमाम योजनाएं हैं सड़कों की देख लो, और उसके साथ साथ हर एक गरीब को आस होगी। मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं पढ़ लिख के मैं भी एक नौकरी पा सकता हूँ, मैं भी UPSC की तैयारी करके मैं भी IAS बन सकता हूँ, नहीं तो इसमें इतना नहीं था। और भाइयों लास्ट बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये मुद्दा राष्ट्र हित के लिए है। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक भाइयों से निवेदन करता हूँ, देश के लिए सोचो, किसी एक पर्सन के लिए मत सोचो, देश के लिए सोचेंगे कि युवा है, मैं एक युवा हूँ, और युवा एक देश के लिए सोचेगा तो तभी देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत। क्या लग रहा है जी आपको? राष्ट्र हित में मोदी जरूरी है, राष्ट्र हित को देखते हुए
बीजेपी जरूरी है। सफेदों में क्या लग रहा है आपको, सतपाल ब्रह्मचारी आए क्या? सतपाल ब्रह्मचारी को भेंट चढ़ा गया है, सतपाल ब्रह्मचारी को वोट नहीं है, उसको भेंट चढ़ा गया है। पहले उड्डा हार गया यहाँ से 2.25 लाख वोटों से, इसको भेंट दे दिया है। तो ब्राह्मण समाज में कितना असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं है ब्राह्मण समाज में, पता लोगों को कि मोदी जरूरी है, ये वोट उसको जाएगी राहुल को और ये वोट मोदी को जाएगी, इसलिए मोदी जरूरी है राष्ट्रहित के लिए। तो देखिए, तो फिलहाल तो अभी आप देख पा रहे थे कि जो डिडवाड़ा गांव से जो आप देख पा रहे थे, गांव के जो लोग हैं वो हमारे साथ ही जुड़े हुए थे। और कुछ देर पहले जो यहाँ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जो ये रामदास जो चौपाल है, रामदास चौपाल में है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे और जो मोहनलाल डोली का यहाँ पर है, फूल मालाओं के साथ जो स्वागत है यहाँ पर किया गया था। और जो तस्वीर आपको मैं दोबारा से फिर बताना चाहूँ कि डिडवाड़ा गांव से तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप कुछ कहना चाहेंगे सोनीपत लोगों के सबसे, क्या कुछ लग रहा है, किस तरह कुछ आपको माहौल लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। राम राम।